हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनोज सुबह सुबह अपने कमरे में सो रहा था, तभी वहाँ उसकी बीवी सरोजा आती है और वो अपने पति के मुंह पर पानी फेंक कर उसे उठाते हुए कहती है, अरे उठ जाओ, अब क्या यहीं पड़े रहना है? फिर बाद में कहोगे कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, तो टाइम से उठा नहीं जाता है क्या आपसे? उठो जल्दी अब। अरे मेरी नींद ना पूरी हो तब मुझे ये सब दिक्कतें होती हैं। हाँ अभी सोते रहो और फिर बाद में यहाँ वहाँ घूमते रहोगे शरीर लेकर। अरे सुबह जल्दी उठकर पार्क जाया करो, थोड़ा टहला करो, योगा करा करो। लेकिन नहीं, आपको तो यहीं पड़े रहना है ना। आज तक किसी का पार्क जाकर भला हुआ है जो अब भला होगा? जितने दिन की जिंदगी बची है आराम से मौज से गुजारो, फिर किसी को कुछ कहाँ ही पता चलना है। आपको तो समझाना ही बेकार है, बूढ़े हो रहे हो लेकिन अपनी सेहत का जरा भी ध्यान नहीं रखते हो। एक पोता भी है लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पोते के बच्चे के भी दादा बन चुके हो। हाँ तो क्या हुआ, पर दादा भी बन ही जाऊंगा। अब जिसे जिंदगी सवारने के लिए लाया था उसे अपने बाल सवारने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आपको तो बस यही आता है ना, जब खुद से कुछ ना हो तो अपनी बीवी की बुराई करने लग जाओ। अरे मैं तो हमेशा से आपको बोलती हूँ, थोड़ा शरीर पर ध्यान दो। आज तक मेरी बात सुनी है आपने कभी? तुम मुझे सुबह सुबह यहाँ ये सब ज्ञान देने आई हो? अरे दिख रहा है कि मैं सो रहा था लेकिन फिर भी उठाया, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर करे जा रही हो तुम। ठीक है सोते रहो, जब कोई बात हो जाएगी ना तभी अपनी बीवी की नजर आने वाली है आपको, और कोई नहीं दिखेगा। आए बड़े सोने वाले, जब भूख लगे तो खुद ही उठकर खा लेना। अरे ठीक है, अच्छा जाते समय दरवाजा बंद करते हुए जाना। मनोज की बात सुनकर सरोजा वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनोज एक मेडिकल शॉप पर जाता है, जहाँ पर करीबन 19 साल की लड़की जूही दुकान पर बैठी होती है, जिसे देखकर ही मनोज जूही की ओर आकर्षित होता है। मनोज जूही से कहता है, एक डायपर देना। आपके लिए डायपर चाहिए? अरे नहीं नहीं, 3 साल के बच्चे के लिए डायपर चाहिए। तो ऐसे ही बोलिए ना, आप भी जैसे बातें घुमाकर बातें कर रहे हैं। इस दुकान पर तो एक आदमी बैठता था ना, वो कहाँ है और तुम इस दुकान में कौन हो? वो ये मेरे पिताजी की दुकान है, वो भी खाना खाने गए हैं तो अभी उनकी जगह मैं आज दुकान पर बैठी हूँ। अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे तो मैं घर चली जाऊंगी वापस। अच्छा मतलब आप थोड़ी देर बाद फ्री हो जाओगी? अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ? अरे नहीं नहीं, आप तो मुझसे बड़े हैं, पिता की उम्र के हैं, मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? अरे अरे आप ये क्या बोल रही हैं, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, मैं इतना भी नहीं हूँ कि आप मुझे पिता की उम्र का समझें। वो तो बस वातावरण खराब है इसलिए बूढ़ा लग रहा हूँ, और लगता है और जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, वरना मैं तो अभी जवान हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो आप बालों को कलर क्यों नहीं करते? देखिए कितने सफेद हुए पड़े हैं। अब आपने बोला है तो मुझे खुद पर ध्यान देना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, कल आप मेरा नया अवतार देखना। वैसे आपने बताया नहीं कि आप मेरे साथ थोड़ी देर के बाद घूमने चलेंगी? अब आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी, चल लूंगी मैं आपके साथ। ठीक है, अच्छा मैं अपने घर पर जाकर डायपर रख कर आता हूँ, फिर चलते हैं हम घूमने। मनोज जूही से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे दोनों अपनी इस दोस्ती को एक नए रिश्ते का नाम दे देते हैं। मनोज को जूही काफी ज्यादा अच्छी लगती है और जूही को भी मनोज बहुत अच्छा लगने लगता है। दोनों रोज सुबह शाम पार्क में मिलने लगते हैं। मनोज का बदला हुआ स्वभाव देखकर उसकी बीवी और बहू बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एक दिन जब मनोज सुबह उठकर तैयार होकर जा रहा होता है तो ये देखकर मनोज की बीवी अपनी बहू भावना से कहती है, बहू तू देख रही है अपने ससुर को, अचानक से ऐसे बदलाव आ गया, अब तो ऐसा लग रहा है पक्का कोई गुल फिरा रहा है ये बुड्ढा, वैसे इससे सुबह उठा नहीं जाता है, और अब देख। माँ जी मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि अचानक से क्या हो गया ससुर जी को, और ऊपर से आपने देखा कि अब तो वो बाल सेट करके तैयार होकर ही घर से बाहर निकलते हैं और कितना खुश रहने लगे हैं।
लगता है बुढ़े को जवानी चढ़ रही है। कुछ बोलते नहीं है हम तो इसको तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। माँ जी आप कहो तो मैं ये सोच रही थी कि हमें अब ससुर जी पर नजर रखनी चाहिए। बहू ये कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं तो खुद ही सोच रही थी कि इस बुढ़े की जवानी अब निकाल ही देनी चाहिए। पता नहीं कहाँ जा रही है, किससे गुलछर्रे उड़ा रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। दोनों सास बहू अब मनोज पर नजर रखना शुरू कर देती हैं। लेकिन मनोज भी बड़ी सफाई से जूही से मिलने जाता और किसी को भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन मनोज जूही के कंधे पर हाथ रखकर सड़क पर घूम रहा था और तभी भावना अपने ससुर को वहाँ देख लेती है। ये देखकर भावना पहले दोनों की फोटो लेती है और जब मनोज वहाँ से चला जाता है और भावना अपने साथ ही जूही को घर लेकर आती है। जूही को अपने घर देखकर मनोज हैरान हो जाता है। भावना अपनी सास को भी बुलाती है और कहती है, माँ जी आप बोल रही थी ना ससुर जी की जवानी चढ़ रही है, तो आप सही बोल रही थी। आज मैंने इन्हें खुद रंगे हाथों पकड़ा है, बुढ़ापे में निब्बी को गर्लफ्रेंड बनाकर घुमा रहे थे। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा ससुर हूँ मैं, थोड़ी तो इज्जत रखो मेरी। किसी के आगे कुछ भी बोल देती हो तुम। सरोजा बहू को कोई गलतफहमी हुई है। ससुर जी अगर आप कुछ ना बोले वही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ उस बात का सबूत भी है मेरे पास। बहू तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बोलना क्या बोलना चाहती है तू। ससुर जी का अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और मैंने तो दोनों की फोटो भी ली है। ससुर जी जूही के कंधे पर हाथ रखकर घूम रहे थे। क्या इस बुड्ढे के मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, बुड्ढा चला है आंसू की लड़ाने। अरे कुछ शर्म बची है कि बेच खाई, वो भी बेटी के जैसी है ये आपकी। माँ जी बेटी जैसी है, लेकिन बेटी को भी तो समझना चाहिए ना। अपने से ज्यादा उम्र के आदमी की गर्लफ्रेंड बनकर घूम रही है, थैली से निकली नहीं और चक्कर देखो। इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो इन्होंने ही बोला था कि मैं इनके साथ घूमने जाया करूं और ये मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो क्या हुआ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? और नहीं तो क्या। अरे जब जूही को ही कोई परेशानी नहीं है मेरे साथ रिश्ता रखने में, तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? जूही बेबी तो कितनी अच्छी है। अरे बेबी के उम्र की ही है ये आपकी, और एक टांग कबर में है, और देखो तो जरा अपने से कम उम्र की बच्ची के साथ नैन मटक्का कर रहा है। अगर ऐसा कुछ आपकी बेटी के साथ हो जाए तो। और जूही तुम जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए उस उम्र में तुम ये सब कर रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा को पता है ये सब? मम्मी पापा को बीच में क्यों लाना, उनको कुछ नहीं पता चलना चाहिए। लो ससुर जी आपकी निब्बी गर्लफ्रेंड जो अपने खुद के फैसले तो ले नहीं सकती, आप उसके साथ मिलकर माँ जी को धोखा दे रहे थे। अरे तू इससे बात ही क्यों कर रही है, इसकी माँ को चलकर सब बताते हैं, अब वो खुद ही संभाले इसे। नहीं मम्मी पापा को कुछ मत बताओ, मैं इन अंकल से कुछ भी बात नहीं करूँगी अब से। ये क्या बोल रही हो तुम? लो जिसके पीछे आप पागल थे उसने तो एक झटके में आपका साथ छोड़ दिया। जूही अपने मम्मी पापा को ना पता चले इस डर के मारे वहाँ से ही चली जाती है। और जूही के ऐसे चले जाने से मनोज को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद मनोज ऐसा कभी नहीं करता। हंसिका अपनी बहू मानसी के साथ अपने ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई मक्खियों को मार रही थी। मानसी अपनी सास को मक्खियाँ मारते हुए देख कहती है, मम्मी जी आप पार्लर में बैठकर मक्खियाँ मार रही हैं। बहू अब और क्या करूं? अब पार्लर में कोई आ नहीं रहा है तो मुझे बैठकर मक्खियाँ ही मारनी पड़ रही है पाउडर लगा के। आप मेरी बात मानो फिर देखो आप, लेकिन आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं है। अरे लेकिन तूने मुझे आइडिया कब दिया जो मैं तेरी बात मानूं पाउडर लगा के? उप्स हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने आपको आइडिया ही नहीं दिया है, तो आप मेरी बात कहाँ से मानेंगी? उसकी ये बात सुनकर हंसिका अपने सर को पकड़ लेती है और भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान आपने मुझे कैसी बहू दे दी पाउडर लगा के। मम्मी जी भगवान को कोसने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत में मैं ही आनी थी, इसलिए अब मैं ही रहूंगी उम्र भर आपकी बहू बनकर। खैर मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पार्लर में कुछ ऑफर दे दीजिए फिर देखना। अरे पागल हो गई है क्या देख रही है, हम कितना महंगा प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें भी तू बोल रही है कि हम ऑफर दे पाउडर लगा के। सासुमा ऑफर देकर तो देखो, एक बार आपने ऑफर दिया तब देखना आप कैसे अपने पार्लर पर भीड़ लगती है। मानसी की बात से
अब हंसिका सहमत हो जाती है और पोस्टर में छपवा देती है कि हंसिका के पार्लर में कुछ भी करवाओ उसके साथ फेशियल मुफ्त। ये पोस्टर अब वो हर जगह बंटवा देती है और शाम होने को आई थी लेकिन अब भी उसके पार्लर में कोई भी नहीं आया था। ये देख मानो अब हंसिका के कलेजे पर पहाड़ टूट पड़ा था और वो अपनी बहू को कोसते हुए कहती है, अरे नासपिटी करमजली कहीं की, तूने तो मेरा नुकसान ही करवा दिया। एक तो वैसे ही कस्टमर नहीं आ रहे थे और ऊपर से तूने पोस्टर बनवा कर मेरे पैसे वेस्ट करवा दिए। हाय, हे भगवान जी, ये कैसी बहू दे दी आपने पाउडर लगा के। सासू माँ, कोई भी काम करने के बाद थोड़ा इंतजार करना होता है, लेकिन आप है कि आपको तो रिजल्ट जल्दी ही चाहिए। अरे थोड़ा सब्र तो कर लो आप। हाँ हाँ, अब तो मुझे सब्र करना सिखाएगी। हम्म, आई बड़ी पाउडर लगा के। दोनों सास बहू के बीच बहस हो रही थी कि तभी उनके पार्लर में दो औरतें आती हैं और उन सास बहू से बोलती हैं, अरे इस दुकान का ओनर कौन है। मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ पाउडर लगा के। अरे हुआ कुछ नहीं है, हमें अपने बालों में केराटिन करवानी है पर हर जगह बहुत ही ज्यादा चार्ज लग रहा है और कोई भी ऑफर नहीं है। फिर हमें ये पोस्टर दिखा जिसमें ऑफर दिख रहा है कि चाहे कुछ भी करवाओ उसमें फेशियल फ्री ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। उनकी ये बात सुनते ही दोनों सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है और एक मुस्कान के साथ मानसी अपनी सास का हाथ खींचती है और धीरे से बोलती है, क्यों सासू माँ, क्या कहा था मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चल अब काम पर लग जा पाउडर लगा के। इस तरह अब मानसी उन दोनों को शीशे के सामने बैठा देती है और उनका हेड वॉश करने के लिए अपने हाथों में शैम्पू लेती है। उसके हाथों में शैम्पू देख उसकी सास हंसिका मानसी से कहती है, अरे बहू ये क्या कर रही है, थोड़ा कम शैम्पू ले। देख तो जरा इस औरत के सर में बाल है भी जो तू इतना सारा शैम्पू ले रही है। अरे कम शैम्पू ले तभी तो अच्छे से वॉश होगा पाउडर लगा के। उसकी बात सुनकर वो औरत हंसिका का जवाब देते हुए कहती है, अरे बहन जी मेरे सर में इतने बाल है ना कि तुम भी मेरे बालों में उलझ जाओगी। बहन पार्लर वाली मैं हूँ इसलिए मुझे पता है कितना कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। बहू तू अब अपना काम कर पाउडर लगा कर, जब तक मैं उस कस्टमर को देखती हूँ पाउडर लगा के। जी मम्मी जी। इस तरह से अब दोनों सास बहू अपने पार्लर में उन दोनों के बालों की केराटिन करने लगती हैं। कुछ समय बाद उनके केराटिन होने के बाद वो उनके बालों को अवॉश करने लगती हैं। कुछ समय बाद हंसिका और मानसी हेयर ड्रायर से उनके बालों को सुखाने लगती हैं और जब उनके बाल सूख जाते हैं तब उनके बाल काफी अच्छे हो जाते हैं, जिसके बाद अब दोनों सास बहू उनका फेशियल करने लगती हैं। एक बार फिर अब मानसी अपने हाथों में स्क्रब थोड़ा ज्यादा ले लेती है। ये देख हंसिका एक बार फिर उसको टोकते हुए कहती है, बहू तूने स्क्रब ज्यादा ले लिया है, कम कर उसको पाउडर लगा के। पर मम्मी जी ये तो वापस डब्बे में नहीं जाने वाला, अब क्या करूँ मैं। ला मुझे दे दे, मैं इनको लगा देती हूँ पाउडर लगा के। इस तरह अब हंसिका मानसी से स्क्रब ले लेती है और उन दोनों औरतों के मुंह पर स्क्रब करने लगती है। थोड़ी देर बाद उनका स्क्रब भी हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों हंसिका के हाथ में पैसे देते हुए कहती हैं, वैसे आपने काम अच्छा किया है लेकिन आप बहुत कंजूस हैं। खैर हम दोबारा आएंगे। जी जी जरूर। आई बड़ी मुझे कंजूस बोलेगी। हम्म, अब तू दोबारा आ तो सही, आज से भी कम सामान से तेरा पूरा मेकओवर करूंगी पाउडर लगा के। इस तरह वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं और अब ऑफर के चलते हंसिका का पार्लर खूब चलने लगता है और अब देखते ही देखते वो दोनों खूब तरक्की करने लगती हैं। मानसी के ऑफर की वजह से हंसिका का पार्लर बड़ा ही अच्छा चलने लगा, लेकिन हंसिका दिन प्रतिदिन कंजूस होती जा रही थी। ऐसे ही एक दोपहर की बात है, हंसिका सोफे पर पैर फैलाए बैठी हुई अपने हाथों में चाय का कप ले रखी थी तो वहीं मानसी भी अपनी सास के पैरों को दबा रही थी और ऐसे ही हंसिका की चाय में मक्खी गिर जाती है। उस मक्खी को चाय के साथ हंसिका पी जाती है और मक्खी को चूस कर बाहर फेंक देती है। ये देख मानसी अपनी सास से बोलती है, छी माँ जी आपने तो मक्खी को चाय के साथ चूस लिया। तो क्या हुआ बहू पाउडर लगा के। माँ जी मक्खी चूसने की क्या जरूरत थी। छी आप मुझे बोलती मैं आपके लिए नई चाय बना कर ले आती ना। कैसी बात कर रही है बहू, बस मक्खी ही तो थी और वैसे भी मक्खी के गिरने से क्या मैं इस पूरी चाय को फेंक दूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तुझे पता भी है इसमें दूध चीनी पत्ती सब कुछ है और तू कह रही है कि इसको फेंक देती हूँ।
तू जानती भी नहीं है, एक चाय 10 रुपए की आती है पाउडर लगा के। मानसी कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन मानसी अपने सभी प्रोडक्ट्स को चेक कर रही थी कि तभी उसकी नज़र लॉरियल शैम्पू पर जाती है। उस शैम्पू की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायर डेट देख मानसी अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी जरा देखिए तो इस शैम्पू की डेट एक्सपायर हो गई है, हमें नया शैम्पू लाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे कस्टमर को नुकसान दे सकता है। क्या बहू, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आएगा, और ये लॉयल का प्रोडक्ट है, जानती है कितना महंगा आता है लॉयल का प्रोडक्ट। अरे हम सबसे पहले इसको ही यूज कर लेते हैं पाउडर लगा के। मेरी सास तो बेहद कंजूस है, एक नंबर की मक्खी चूस है। जिसने भी कहा है सही कहा है, कंजूस मक्खी चूस। और ये कहावत तो मैं अपनी सास को डेडिकेट करूंगी। अब क्या था, ना चाहते हुए भी अब मानसी को उस एक्सपायर प्रोडक्ट को अपने पार्लर में रखना पड़ा। और दोपहर में एक लड़की आती है अपना हेड वॉश करवाने, जहां अब मानसी लॉरियल्स के शैम्पू से उसका सर धोती है। और कुछ देर बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। ये देख हंसिका अपनी बहू से बोलती है, क्यों बहू, देखा उसको पता ही नहीं चला कि हमने कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया है पाउडर लगा के। सही कह रही हो माँ जी आप। इस तरह अब दोनों सास बहू आराम फरमाने लगते हैं कि तभी वहां पर वही लड़की आती है जिसने अपना हेड वॉश करवाया था, और मानसी को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है, यू ब्लडी हेल, तुमने कौन से शैम्पू से मेरे सर को धोया है? पर हुआ क्या? उसकी बात सुनकर वो लड़की अपने बालों में हाथ लगाती है, और जैसे ही वो अपने हाथ सर से हटाती है वैसे ही उसके हाथों में बहुत सारे बाल टूट कर आते हैं। ये देख दोनों सास बहू हैरान हो जाते हैं, और ये देख वो लड़की गुस्से में बोलती है, देख लिया क्या हुआ है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अरे अरे पुलिस वाली, क्या बात है, और रही बात आपके बाल झड़ने की, आपको प्रोडक्ट सूट नहीं किया होगा, इसमें भड़कने वाली बात नहीं है। खैर मैं तुम्हें एक सीरम दे रही हूँ, उसको लगा लेना और तुम्हारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे पाउडर लगा के। इस तरह हंसिका उसको एक सीरम दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से उस लड़की ने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर दी पाउडर लगा के। सासू माँ, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, और मैं आपकी गलतियों पर कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि जब बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप हमें माफ़ कर देते हैं, ठीक उसी तरह से जब माँ बाप से गलती होती है तो उनको भी अपने माँ बाप को माफ कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक बार जरूर कहूँगी कि आप कंजूसी छोड़ दो। इस तरह अब हंसिका अपने पार्लर में एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं रखती, लेकिन उसकी कंजूसी अभी तक नहीं गई थी, और वो अभी भी एक कंजूस सास ही थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।